ओम शांति। आज एक बहुत ही गुह्य बात आपको सुना रहे हैं। कई देखेंगे रेकी का प्रैक्टिस करते हैं और मेडिटेशन करना, दोनों में क्या अंतर है? रेकी माना जो मन और बुद्धि को एकाग्र करके, किसी का कोई सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो वहां हाथ रखकर अपने संकल्प से वाइब्रेशन देने का प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें एकाग्र होकर जब प्रैक्टिस करते हैं तो करते करते उनको एक सिद्धि प्राप्ति हो जाती है, अर्थात मन और बुद्धि एकाग्र करके वहां जो वाइब्रेशन देने का फोर्स करते हैं और वाइब्रेशन से उनका दर्द ठीक हो जाता है, अर्थात उनको ये दर्द ठीक करने की एक सिद्धि मिलता है। लेकिन ये एकाग्रता का फल है। लेकिन ये जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं, राजयोग का मेडिटेशन, वो बिल्कुल ही अलग है। उसमें शरीर के भान से हमें बिल्कुल अलग हो जाना है, आत्मा का अनुभव हमें करना है, अशरीरपन का हमें अनुभव करना है। लेकिन इसमें कोई जाप नहीं है। हम संकल्प देते हैं, माना हम अपने को स्मृति दिलाते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, भगवान की संतान हूं, अपने को स्मृति दिलाते हैं। तो इसमें हम स्मृति बार बार हम रिपीट नहीं करते हैं। एक तो मन में संकल्प देते हैं और बुद्धि से उस स्वरूप में हम टिकने का प्रयास करते हैं कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर से मैं अलग हूं, ज्योति स्वरूप हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, परमात्मा का घर मेरा घर है, परमात्मा की संतान हूं, माना परमात्मा की मेरे में समानता है, भगवान शांति का सागर है तो मैं शांति का स्वरूप हूं, भगवान ज्ञान का सागर है तो मैं ज्ञान का स्वरूप हूं, भगवान आनंद का सागर है तो मैं आनंद का स्वरूप हूं। इस प्रकार से भगवान के साथ, परमात्मा के साथ हम तुलना करते रहते हैं और अपने को कंपेयर करके अपने स्वरूप में हम टिकने का प्रयास करते हैं। और धीरे धीरे इस शरीर से हम उस विचारों में जाते जाते इस शरीर की भान से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं और परमात्मा के संतान हूं, परमात्मा के सान्निध्य का हम अनुभव करते हैं, तो हमें अलौकिक एक सुख शांति का हम अनुभव करते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेडिटेशन करना और ये रेकी का प्रैक्टिस करना, दोनों में अंतर है। लेकिन यह मेडिटेशन का सब्जेक्ट ही अलग है, अर्थात हमें आत्मा का अनुभव करके एक रूहानी यात्रा का हमें अनुभव करना है, सुख शांति का अनुभव करना है, मन के एक ड्रिल है तो उसको हमें अनुभव करना है। यहां ओम शांति।